ना बड़े मुझे है कि अच्छा खेलें, चाहे हारे जीते लेकिन अच्छा खेलें, मैच में मजा आए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मजा आए, एक्साइटमेंट हो, आखिरी बॉल तक मजा आए। एग्जैक्टली यही है, हमारी दुआएं तो हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम को जीतना चाहिए, लेकिन जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, उसके बाद न्यूज आती हैं, उसके बाद खबरें ये आती हैं कि जज्बाते, अच्छा इंडिया में भी यही है, वहाँ के भी लोग जो है ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो आवाम है ना, बड़े हम जरा इमोशनल से हैं, बड़े जज्बाती से हैं, तो बिल्कुल जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हम मैच हार भी जाते हैं तो हम कौन सा पहली दफा हारे हैं तो आपको जज्बाती तो नहीं होना है, टीवी नहीं तोड़ने हैं, घर वालों पे गुस्सा नहीं निकालना है, इजी गेम को गेम की तरह चिल करें आप, अभी फेस्टिविटी के तौर पे एंजॉय करें। इंडिया में भी पूरी फेस्टिविटी होगी, लाइट शो उन्होंने करना है, परफॉर्मेंस होगी, म्यूजिकल डांस होगा, ये सब कुछ परफॉर्म किया जाएगा और फिर उसके बाद बाकायदा टूर्नामेंट का आगाज होगा। मुझे बस ये है कि हमारे क्रिकेटर्स ना एक्साइटेड होकर कैरिड अवे ना हो जाए कि पता चले परफॉर्मेंस देने की बजाय वो इन सब के साथ फोटोशूट करवा रहे हो तो नहीं, फोकस इस पे करना होगा। खैर गेम पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग। सर बताइएगा, परसों बड़ा हैवी टाकरा होने जा रहा है, उससे पहले बड़ा जबरदस्त एक फेस्टिविटी भी होगी, बड़ी तकरीब भी सजाई गई है, क्या देख रहे हैं, कितना नफ्स का मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का, अहमदाबाद का स्टेडियम है, 1 लाख से ज़ायद क्राउड होगा वहां पर। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर हम जबकि वर्ल्ड कप में भारत के मध्य मुकाबल आए तो हमेशा ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस मरतबा कोई वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ नया करने जाएगी वहां पर, कुछ नई तारीख रकम करेगी, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। भारतीय टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में इस वक्त वो भरपूर फॉर्म में है, लेकिन हमारी जो फॉर्म का सिलसिला है वो उसमें तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमेशा ही परेशानी का सामना रहता है कि हमने 2 मैच बड़े अच्छे जीत लिए, नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ, अब हमारा 3रा मैच है, देखना यह है कि क्या हम उस मैच में अपने तसलसल को बरकरार रखते हैं या नहीं। बाबर आजम को हमेशा बड़े मैच का बड़ा प्लेयर करार दिया जाता है, अब देखना यह है कि बड़ा मैच अब 14 अक्टूबर को इस वर्ल्ड कप का अगर सबसे बड़ा मैच है तो वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है।